अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफिया से होंगे। वेलकम टू माय न्यू रिएक्शन। भाई मैंने रिएक्शन नहीं देना था, लेकिन वो बोलते हैं ना कि फिर कुछ कुछ बातें आपकी जो है ना करनी भी चाहिए, अपने हक के लिए बोलना चाहिए। मेरी फैन साहबा नैना अकबर साहबा ने रिएक्शन डाला है मेरे ऊपर। पहले पहले तो जी उन्होंने बोला है कि दिलबर को, दिलबर भाई तो उन्होंने बाद में बोला है कि दिलबर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, कि मेरे ऊपर रिएक्शन नहीं देना चाहिए था। जो भी था, लोगों ने मुझे कमेंट्स किए और सारा कुछ। पहली बात तो नैना अकबर जी, मैं आपको बताता चलूं कि मैंने आपके ऊपर रिएक्शन नहीं दिया था, मैंने उसके ऊपर रिएक्शन दिया था, तुम्हारे ऊपर रिएक्शन नहीं दिया था, और तुम्हें किस चीज़ की मिर्चियाँ लग रही हैं। दूसरी बात, आपने मुझे ये बोला कि भाई क्या कहते हैं, मैंने आपा का साथ दिया है तो क्या कहते हैं, इसलिए आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। आपा का साथ तब क्यों नहीं दिया था जब मैं आप लोगों के घर पे आके बैठता था और तुम मुझे यही बोलती थी कि मैं तुम्हारे पर रिएक्शन डालूंगी और प्लीज मुझे कुछ नहीं कहना, तब क्यों नहीं आप बोलती थी? तब आपने आपा का साथ क्यों नहीं दिया था जो अभी दे रही हो? ठीक है। तीसरी बात ये है कि आपने बोला कि आपको ऐसे मुझे नहीं बोलना चाहिए था, आप प्रेग्नेंट हैं और आपकी तबीयत खराब रहती है सारा कुछ। तो बेटा जी, अगर आप प्रेग्नेंट हैं सारा कुछ है, तो आपका भी हक नहीं बनता आप रिएक्शन दो। आप चुपचाप नॉर्मल अपनी व्लॉगिंग करो, आपको क्या मसला है कि आप जो है ना तनकीद कर रही हो। फातिमा मेरे ऊपर तनकीद करती है, ठीक है, उसका हक है वो करे, तुम्हारा हक नहीं बनता था? ठीक है, मैंने शादी की है, ठीक है ना, तुम्हारा हक तो नहीं बनता था कि तुम मेरे ऊपर तनकीद करना बैठ जाओ, तुम्हारा भी हक नहीं बनता था। मैंने 2 दिन के बाद व्लॉग डाला या 3 दिन के बाद भी डाला, लेकिन तुम्हारा हक नहीं बनता था। तुम यही बोलती कि भाई मैं अपनी भाभी के साथ भी हूँ और अपने भाई के साथ भी हूँ, ठीक है, मैं किसी से क्यों रिश्ता ख़त्म करूँ? कल को मेरी भाभी और मेरे भाई ने एक हो जाना, इसकी वजह से मैं अपना रिश्ता ख़राब कर दूँ? नहीं, मुझे ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तुमने भी एक नहीं 4-5 रिएक्शन दिए, मैं जी आपा के साथ ये कर रही हूँ, मैं जी आपा के, तो मैंने कब रोका क्यों आपा के साथ तुम नहीं करो? पहले तो ये आपा अच्छी नहीं लगती थी, पहले तो आपा ये ब्लॉग में नहीं आती थी, आजकल आपा बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि आपा ट्रेंडिंग में जो है, आपा ने अच्छे लगना है। आपने बोला कि मेरी न्यू भाभी वाले जो है ना वो लोग ऐसे हैं, वो ये कर देंगे वो कर देंगे, आज तक तो उन्होंने कुछ नहीं किया, आज करेंगे। और मैंने उनकी वजह से आपके ऊपर रिएक्शन दिया, उन्होंने मुझे तो, मैं क्या बोला जो तुम बोल रही हो कि उनकी वजह से रिएक्शन दिए, उन्होंने तो मुझे नहीं सिखाया कि तुम्हारे ऊपर रिएक्शन, मैं तो शबाज के ऊपर रिएक्शन दिया था, तुम्हारे ऊपर रिएक्शन ही नहीं दिया, तो तुम कैसे बोल सकते हो कि न्यू भाभी वालों ने तुम्हें सिखाया, ये किया मुझे सिखाया, ये किया वो किया, मुझे उनकी गैरत आ रही है तुम्हारी गैरत नहीं आई, मुझे तुम्हारी भी गैरत आई है। मैंने जाके, वो जाके सुनो कि मैंने उसको क्या बोला है कि जब तुमने ऐसे किया था तो मैंने तुम्हारे क्या असर करना था। पहले ना बात को बैठ के सुना करो, उसके बाद ही तनकीद करने आया करो, ठीक है। मेरी ये भी वाइफ है, मेरी फातिमा भी वाइफ है, उसके ऊपर कोई भी बात करेगा मैं तो उसको धोऊंगा, सीधी बात है, जो मेरी फैमिली के ऊपर बात करेगा। तुम बोल रही हो कि मेरे भाई, मेरा आज के बाद इसके साथ ताल्लुक नहीं है, तो मेरा भी तुम्हारे साथ ताल्लुक नहीं है। ये बात तो तुमने 6 महीने पहले भी बोली थी, मैंने बल्कि बोली थी, मैंने कहा तुम लोगों के साथ ताल्लुक नहीं है, तुम ही रो के आई थी कि मुझे सुलह करनी है ये वो, मैं तो फिर भी तुम्हें व्लॉग में ले रहा था, तुम्हें तो बाबर व्लॉग में लेता भी नहीं है, बहुत कम व्लॉग में लेता है, मैं तुम्हें ज्यादा व्लॉग में ले रहा था, तुम्हें तो बाबर व्लॉग में भी नहीं लेता था, ठीक है, तुम्हें मैं व्लॉग में लेता था, मुझे लोग जितना भी बोलते थे, मैं तो शाहरुख को भी व्लॉग में लेता था, तुम्हें भी व्लॉग में लेता था, मेरी क्या बुराई है मुझे ये तो बताओ, मैंने तुम्हारे साथ क्या बुराई की है जो तुमने आज ये आंसू मगरमच्छ के बैठ के बाहर ही हो कि मेरा मेरे भाई के साथ ताल्लुक नहीं है, आज के बाद खत्म, मेरा आज के बाद ये, मेरा भी तुम्हारे साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, मैं भी अगर मर रहा हूँ ना, मेरा जनाजा भी हो तो मेरे जनाजे पे भी तुम नहीं आना, ठीक है, मैं ये ऑन द स्पॉट बोल रहा हूँ कि अगर मैं मर जाऊं मेरे जनाजे पे भी इसको नहीं आने देना, खत्म, ठीक है, मर गई तुम भी मेरे लिए, तुम्हारी जैसी बहन मुझे चाहिए भी नहीं, ठीक है, तुम्हारी जैसी बहन मुझे चाहिए भी नहीं, तुम कौन सा अच्छी हो मुझे ये तो बताओ, हर किसी के घरों में शैतानगी करने वाली तुम, हर किसी के घरों में, तो मेरे पर बात कर रही हो,
मैं चुप रहता हूं तो मुझे चुप रहने दिया करो, तुम लोग मजबूर करते हो मुझे बोलने के लिए, मजबूर करते हो। सितारा और सलमा का फतूर किसने लाई? तुम लाई। अभी बीच में क्या कहते हैं, नाने और नजमा लोगों की लड़ाई किससे हुई? तुम्हारी वजह से हुई, क्योंकि तुमने वीडियो डिलीट की, ठीक है, नजमा के कहने पर। और क्या कहते हैं, फिर चाचा और उनकी लड़ाई हो गई, ठीक है। अब हमारी लड़ाई में किसका हाथ है? तुम्हारा हाथ है। तुम बड़ी महान बनी हुई हो, जो जो ये है वो है फलाना है, कोई महान नहीं हो। सिर्फ बात मैं वही बोलता हूँ कि हर बंदा भाई डॉलर कमा रहा है, सीधी बात है। मैं भी कमा रहा हूँ, तुम लोग भी कमा रहे हो, सारे लोग कमा रहे हैं, सबको अकाउंटेंट मिल गया है। जहाँ पे हमारे दो दो पाँच पाँच हजार, दस दस हजार, बीस 20 हजार पे व्यूज रुक गए थे, अब व्यूज बढ़ना शुरू हो गए। सही बात है, जब हमने ये हरकतें करनी है तो व्यूज तो बढ़ने ही बढ़ने हैं भाई, सीधी बात है, ठीक है। यही चीज तो तुम भी चाहती थी, और तुमने मुझे पहले ऑन द स्पॉट बोला था कि दिलवर भाई मैं आपके ऊपर रिएक्शन बनाऊंगी, मैं आपके ऊपर रिएक्शन बनाऊंगी, जब आप शादी करोगे मैं आपके ऊपर रिएक्शन बनाऊंगी। तुम प्रेग्नेंट हो, झूठ नहीं बोलना, तुम्हें नहीं पता था मेरी शादी का, मैं कब शादी करने जा रहा हूँ, सारा कुछ अपने ईमान से बोलना, झूठ नहीं बोलना, इस बात में झूठ नहीं बोलना। और इस बात का भी जवाब देना, देना मुझे कि आपने नहीं बोला था कि मैं आपके ऊपर भी रिएक्शन बनाऊंगी। बोलो, फतूर तुम खड़ी करती हो, मैं नहीं, और आज के बाद तुम भी मेरी बहन नहीं हो। मैंने तुम्हारे लिए बहुत लड़ा हूं, मैं तुम्हारे पीछे बहुत लड़ा हूं, लोगों ने मेरी वॉइसें भी चलाई हैं। मैं सबको बोलता था कि अगर, ठीक है, मैं नैना के साथ बात नहीं करता, अगर नैना के ऊपर किसी ने बात की तो मैं उसके घुस जाऊंगा, और ये मेरी वॉइसें चली भी थी, लोग बोलते भी थे कि डीडी उसके साथ नहीं है, लेकिन फिर भी वो पीछे से उसके खड़ा हुआ है, कि अगर किसी ने उसके ऊपर हाथ रखा तो उसको खा जाएगा, ठीक है। मैंने तो यार सबका साथ दिया है, कोई भी नहीं बोल सकता, अब मेरी फेवर में कोई नहीं है, मेरी फेवर में कोई नहीं है, लेकिन मैंने तो देखो हर किसी के साथ दिया है, हर किसी का, चाहे उस्ताद साजिद हो गया, सितारा हो गई, बाबर हो गया, ठीक है, तुम हो गई, अम्मी हो गई, माम नदीम हो गया, मामी नजमा, माम फरूक लोग हो गए, नजमा हो गई, चाहे शबाज भी है, मैंने तो सबका साथ दिया, मैंने तो कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, कभी भी गलत नहीं किया, ठीक है। मुझे ये उसके सिले तो यही दे रहे हो तुम लोग, ठीक है। तुम्हारा भी हक नहीं बनता था मेरे ऊपर रिएक्शन डालने का, लेकिन तुम्हें भी तो डॉलर कमाने थे, ठीक है। तुम यही बोलती भाई, वो उनका मसला है, हस्बैंड वाइफ का, वो कुछ भी बोले, लेकिन तुमने भी तो हाथ धो के डाले, तुमने बोला ठीक है, फिर ऐसे तो ऐसे, मेरी ये भी वाइफ है सनिया और मेरी वाइफ आदमा भी है, इनके ऊपर कोई भी बात करेगा मैं तो उसको धो डालूंगा, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, चाहे मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब तो मेरी दोनों वाइफ हैं, ठीक है, और दोनों मेरी फैमिली है, दोनों फैमिलियों के बारे में कोई बात करेगा तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो। हाँ, फातिमा मेरे ऊपर बात करे, सनिया मेरे ऊपर बात करे, उनको मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि उनको हक है, लेकिन कोई तीसरा बात करेगा तो उसको मैं खा जाऊंगा। मेरा भी भाई तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, अपनी लाइफ एंजॉय करो, आपका बेबी होने वाला है, कुछ भी है, मेरे लिए तुम मर गई, तुम्हारे लिए मैं मर गया, ठीक है जी। और आपका सिर्फ बाबर भाई है तो ठीक है, अल्लाह उसको मुबारक करे, ठीक है, ये वही भाई था जो आपको वीडियो में नहीं लेता था, ठीक है, याद है ना, मैं सिर्फ आपको वीडियो में लेता था, और भी कुछ बोलूँ कि आप उसके बारे में क्या क्या बोलती थी, बोलूँ, लेकिन नहीं, मैं आपकी तरह नहीं हूँ, मैं आपकी तरह नहीं हूँ, सही है, मुझ में और आप में बहुत फर्क है, ठीक है। जिस तरीके से तुम लोगों को मैंने पाला है मुझे पता है, सही है, तुम लोगों की शादियां की मुझे पता है, क्या क्या हुए हैं, बुरा मैं हूं, जब तुम लोगों की शादियां की थी ना तब माँ और बाप का दोनों का हाथ नहीं था, सिर्फ मैं था, और मुझे तुम्हारी वजह से जितना जिल्लत उठानी पड़ी है वो भी मुझे पता है, सब खानदान को पता है, लेकिन मैंने उफ तक नहीं की कभी। तुम ये बोलती हो ना कि मुझे क्या कहते हैं, ये सिला मिलना था, तुम्हें नहीं, मुझे ये सिला मिलना था बड़े होने का, मुझे बड़े होने का ये सिला मिलना था और मिल रहा है, और तुम लोग जितना मेरी इज्जत करते हो वो भी मुझे पता है, कितना इज्जत करते हो पता है मुझे, ठीक है, समझ आई ना, कोई बात नहीं, समझ आई ना, कोई बात नहीं, हम भी यही समझेंगे, हमारी बहन नहीं थी, और बहन भाई वाला रिश्ता वैसे कौन सा है, कौन सा रिश्ता है, हमेशा तुम्हें नैना जिस चीज से रोका है ना, हमेशा तुमने वही काम किया, तुम्हें बोला था सलमा का साथ छोड़ दो, तुमने नहीं छोड़ा,
अपनी बर्बादी तुमने खुद की। इधर तो मैं बोला कि नजमा के साथ तुमने उठना बैठना नहीं है, तुम उसके साथ बैठ के गई, उठ बैठ के गई, एंड में उसने यही किया कि तुम्हारी वीडियो ही चला दी कि तुम नानी के घर बैठी हुई हो। ठीक है, अब लास्ट तुमने मेरा मेरे साथ ये करना था, वो भी कर दिया। ठीक है, मेरे दिल में भी बहुत सारी बातें हैं, मैं भी तुम लोगों को बाप की जगह, मैं तुम बाप के बाद तुम्हारा मैं ही बाप हूँ। ठीक है, मैंने तुम लोगों के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, वाइटी तो अभी आई है ना 1-2 साल, उससे पहले मैं तुम लोगों के लिए बहुत जलील हुआ हूँ, लेकिन मुझे भी बहुत सिले मिल रहे हैं, अच्छे सिले मिल रहे हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे सिले मिल रहे हैं, मुझे भी कभी किसी ने अच्छा नहीं समझा, क्योंकि मैं आगे कड़क जवाब देता हूँ इसलिए बहुत बुरा बन जाता हूँ। मैंने तो मैं नहीं रोका कि तुम अपनी भाभी का साथ नहीं दो, आज तुम्हें फातिमा भी अच्छी लग रही है, सुमेरा भी अच्छी लग रही है, सब अच्छी लग रही है। एक टाइम था जब यही इन पे तुम्हारी तनकीद होती थी और उनकी तनकीद तुम्हारे पर होती थी, वक्त वक्त की बात है, वक्त वक्त की बात है, तुम्हारे घर बच्चा होने वाला है, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, अपने जुमान में रखे, लेकिन ठीक कर रहे हो, सब ठीक कर रहे हो, सब ठीक कर रहे हो, मिलकर संपत्तियां हासिल कर रहे हो, सब कुछ ठीक कर रहे हो। मैं बुरा ही हूँ यार, मैं बुरा ही हूँ, मैं बुरा ही हूँ। ठीक है, और मैं मर भी जाऊँ तो मेरे जनाजे पे आने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा भाई बाबर है तो मैं वो मुबारक हो। ठीक है, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, ख़त्म। ठीक है, मुझे भी ऐसी बहन नहीं चाहिए जो फितने बन के आए, जो फितनापन फैलाए, मुझे ऐसी बहन नहीं चाहिए। मेरा तुम्हारे पर लास्ट व्लॉग है, आज के बाद तुम्हारे पर कोई वीडियो नहीं आएगी मेरी, और ना ही मैंने पहले बनाई थी, जो बनाई थी वो एक टाइम था, उसके बाद मैंने तुम्हारे पर कुछ नहीं किया। मैं तो मेरे पास मनाने नहीं आया था, तुम रो के आई थी, अब्बू की मिन्नतें की थी, तब जाके सुलह हुई थी, मैं तो उस टाइम तुम्हारे साथ सुलह नहीं करना चाहता था। ठीक है, नहीं करना चाहता था, अपने घर में खुश रहो। हाँ, वो कभी कभार अम्मी की वजह से आके बैठता था, अब तो मैं वो भी नहीं आऊँगा, कभी नहीं आऊँगा। ठीक है, क्योंकि मुझे भी पता चल गया है कि कौन सा रिश्ता मेरे साथ कितना मुखलिस है और कितना मेरी इज्जत कर रहा है। ठीक है ना, समझ आ रही है, बहुत समझ आ रही है। ठीक है, मेरे टाइम पे तो किसी की गैरत नहीं जागी, अपने ऊपर बात हो तो सबकी गैरत जागना शुरू हो जाती है यार, सबकी गैरत जागना शुरू होती है। खैर, मेरा ये छोटा सा रिएक्शन है, अगर किसी को पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, मिलते हैं एक नेक्स्ट रिएक्शन में, और दुआ में याद रखिएगा, और आई थिंक मेरा भी बस हम दो भाई ही हैं, हम यही समझेंगे कि हमारी तीसरी बहन मर गई, जो बहन थी वो मर गई हमारे लिए, मेरे लिए मर गई है, बाबर के लिए जो भी हो मेरे लिए मर गई है आज के बाद। ठीक है, मेरे लिए मर गई है, और अच्छे से तुम्हें याद होगा कि तुमने बर्थडे पर भी सेलिब्रेशन के लिए मुझे बुलाया था, मैं नहीं आया था, बिल्कुल नहीं आया था, मैं तो तब भी तुम्हारे से नाराज़ था, और तुमने ऑन द स्पॉट व्लॉग में दिखाया भी था कि मैंने दिलबर को विश किया है, वो नहीं आया। मैंने भी बहुत सारी बातें इग्नोर करके ठीक रहने की कोशिश की, तुम्हारा हक ही नहीं बनता था इस दलदल में कूदने का, तुम यही बोलती भाई मैं भाई के साथ भी हूँ, बहन के साथ भी हूँ, फातिमा के साथ भी हूँ। ठीक है, लेकिन फातिमा जितना तुम्हारा करती है तुम्हारी सोच है, अनकरीब उसको भी पता चल जाएगा तुम्हारा, टेंशन ना लो, सारे घर वालों को तुम्हारा पता है। ठीक है ना, सारे घर वालों को पता है, लेकिन मैं यही चाहता था कि हम लोग सब एक रहे, कोई चाहता ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं। खैर गाइस, जो भी है, बातों में से बातें बहुत निकलने की, हम बुरे बुरे ही सही, आप अच्छी अच्छी ही सही। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, तुम्हारा मेरा रिश्ता ख़त्म है, अपनी भाभी के साथ जाके वीडियो बनाओ, जो भी कहो उसके बारे में, मेरी दोनों बेटियां और मेरे बेटे का, अगर अगर आपने आज के बाद कोई व्लॉग बनाया, उनको व्लॉग में लिया, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, जब तुम्हारे साथ ताल्लुक ख़त्म है तो मेरे बच्चों को हाथ लगाने की या उनकी वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, अपने बाबर भाई के घर जाओ, उसके रूम तक ही रहना, मेरे रूम तक जाने की भी ज़रूरत नहीं है तुम्हें, ख़त्म। ठीक है ना, अल्लाह हाफिज़।